This video is sponsored by US Cranberries, America's original superfruit. वैसे कुछ ज्यादा तैयार होके नहीं आया? अब बैठेगा भी? तूने ही कहा था ना कि जो रक्षा करता है राखी भी उसी को बांधते हैं। हाँ तो आपसे ज्यादा लोगों की कौन रक्षा करता है? डॉक्टर एस कश्यप। इस रक्षाबंधन मिठास को दीजिए क्रैनबेरीज का स्वाद, रिश्ता वही मिठास नई यूएस क्रैनबेरीज। नमस्कार, मैं हूं निशांत और आप देख रहे हैं दिल एलन टॉप। देश के कई हिस्सों में अलग अलग तरह का लॉकडाउन अभी भी लागू है। कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन खत्म होने के बाद गतिविधियां थोड़ी सामान्य हुई हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से बड़े जमावड़े अभी भी नहीं हो पा रहे हैं। इनमें धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम शामिल हैं। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की शाखाएं, धार्मिक सत्संग, रैलियां, कथा वाचन, इनके बारे में कुछ सवाल जवाबों से समझेंगे कि ये अभी किस तरह चल रहे हैं। पहली किश्त में बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की। खुद को सांस्कृतिक संगठन बताने वाले आरएसएस में शाखाओं का बड़ा रोल है। ये संघ की विचारधारा से अपने स्वयंसेवकों को जोड़े रखने की कवायद है। शाखाओं में किसी सार्वजनिक जगह यानी पार्क या खुले मैदान में एक घंटे का कार्यक्रम होता है। इनमें व्यायाम, सूर्य नमस्कार, दंड प्रहार, समता यानी परेड, प्रार्थना, गीत होते हैं। संघ कहता है कि शाखाओं में भारत और विश्व के सांस्कृतिक पहलुओं को लेकर बौद्धिक चर्चा भी होती है। शाखाएं कई समय पर लगती हैं। इन्हें संघ की भाषा में प्रभात शाखा, सायं शाखा, रात्रि शाखा, मंडली यानी हफ्ते में एक या दो बार लगने वाली शाखा, संघ मंडली यानी महीने में एक दो बार लगने वाली शाखा आदि कहते हैं। 2019 की आरएसएस की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक संघ की कुल 84,877 शाखाएं लगती हैं, जिनमें 59,266 रोज आयोजित होती हैं। 17,299 शाखाएं साप्ताहिक होती हैं। विश्व के दूसरे देशों में भी ये कार्यक्रम होते हैं। अभी शाखाएं कैसे चल रही हैं? फिलहाल संघ की शाखाएं ऑनलाइन चल रही हैं और ऐसा देश भर में हो रहा है। इसके लिए गूगल मीट, जूम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दूसरे माध्यमों की मदद ली जाती है। इन्हें ई शाखा कहा जा रहा है। लोग घरों से ज्वाइन करते हैं। इस पर आरएसएस के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने जो दिल एलन टॉप को बताया, सुनिए। स्वयंसेवकों की दृष्टि से ये किया है कि जैसे लोगों ने अपने शाखा के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, एक दूसरे को कुछ नित्य सूचना दे रहे हो, या कोई चीज एक साथ मतलब गाने का कार्यक्रम भी लोगों ने किया है, मौलिक कार्यक्रम भी ऑनलाइन में आयोजित किए गए। संघ स्वयंसेवकों ने हेल्पलाइन भी शुरू की जिन्होंने अपने शाखा की तरफ से और फिर उन्होंने अपने मोहल्ले के जितने लोग हैं जिनके कॉल्स आए, उनको कोई वृद्ध है जैसे अलग अलग तरह की जरूरत होती है, तो उनको फिर जो स्वयंसेवक के रूप में जिन्होंने काम किया इसमें सेवा के काम उन्होंने फिर उस तरीके से जैसे टेस्टिंग में गए जैसे अभी मुंबई था मैं, तो मुंबई में ठाणे, पुणे, धारावी से लेकर सब जगह टेस्टिंग में विद्यार्थी गए। संघ के तो स्वयंसेवक हमेशा मतलब जितनी भी जो नई टेक्नोलॉजी आती है कंप्यूटर से लेकर सारी यूज करते हैं सब लोग, आईटी के कितने सारे लोग इससे जुड़े हैं और संघ तो हमेशा प्रोग्रेसिव है हर विषय में ऐसा कुछ नहीं है। संघ का जो है कि जो मानवीय संवेदनाएं है जो जीवन के मूल्य है वो प्रत्यक्ष मिलने से, संवाद करने से, साथ में कार्य करने से आती है। जीवन का अपना क्रम है, जीवन के क्रम में सारे अधिकारी जाते भी है ना, ट्रेन से जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, लैपटॉप से जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उससे जीवन में और भी जो चीज चाहिए हमें परस्पर जो संबंध है आपस में, प्रेम का रिश्ता, एक संवेदना है, उसको तो उसको रोबोट से मदद से नहीं हो सकता ना, वो तो मनुष्य को ही करना पड़ेगा। संघ दोनों चीजों पर बराबरी से जोर देता है। जमीन पर कैसे संचालित होती हैं ऑनलाइन शाखाएं? दिल्ली में शाखाएं आयोजित करने वाले आरएसएस के एक पदाधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर दिल एलन टॉप को बताया, लॉकडाउन के कुछ दिन बाद ही ऑनलाइन शाखाएं लगनी शुरू हो गईं। दिल्ली में लगभग 2000 शाखाएं लगती थीं, इनमें 90% ऑनलाइन लग रही हैं, 10% जो नहीं लग रही हैं
वे आयु में वरिष्ठ लोगों और टेक्नोलॉजी के कारण नहीं लग पा रहे हैं। क्या कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं? इस सवाल के जवाब में पदाधिकारी कहते हैं, शारीरिक गतिविधियां जैसे सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, योग, ये सब लोग अपने स्थान पर करते हैं। स्वाभाविक है सामूहिक खेल नहीं हो पाते। जन शिक्षक जैसे निर्देश देते हैं वैसा करते हैं। हमारी भूमिका के बारे में अलग अलग विषय पर चर्चा होती है। यह ऑनलाइन पूरे भारत में हो रहा है, कहीं कम मात्रा में कहीं ज़्यादा। जहाँ नेटवर्क की दिक्कत है वहाँ थोड़ी कठिनाई होती है। शाखाओं में किसी में 200 लोग शामिल होते हैं, कहीं 25-30 लोग होते हैं, तो कहीं 5-6 लोग भी होते हैं। क्या आगे भी ऑनलाइन शाखाएं जारी रखेंगे? इस पर उन्होंने कहा, हमारी वजह से कोरोना न फैले इसके लिए सावधानी ज़रूरी है। जब ज़मीन पर उतरने का समय आएगा उतर जाएंगे, अभी ऐसी तारीख तय नहीं है। बाहर की दुनिया में भ्रम है या फैलाया जाता रहा है कि संघ बड़ा रूढ़िवादी है, टेक्नोलॉजी युवा से दूर है। ऐसा कुछ नहीं है। संघ ने टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से अडॉप्ट किया है। स्वयं सेवक भी जुड़े रहना चाहते हैं। ऑनलाइन शाखाओं से क्या बदलाव आए हैं? इलाहाबाद में RSS से जुड़े स्वयं सेवक और शोध छात्र आनंद कुमार सिंह का इस पर क्या कहना है, सुनिए। जो है जैसे जो लोग उत्साहित स्वयं सेवक हैं या जो लोग और हैं जिनको चल रहा है, वो लोग अपने छतों पे या घरों पे शाखाएं लगा रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, भाई आजकल सबके पास मोबाइल है तो उसको ऑनलाइन कर लाइव कर दे रहे हैं। हाँ, प्रार्थना लाइव करके उसको फिर वो शेयरिंग हो रहा है कि तो एक वो जा रहा मैसेज अच्छा कि भाई अभी भी शाखाएं छतों पे घरों में अंदर चल रही है, बच्चे भी शामिल हो रहे हैं, घर की महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। एक जो है एक अच्छा सकारात्मक चेंज जिसमें आप देखेंगे कि इससे जो है लॉकडाउन से कि जो घर के अंदर शाखाएं लग रही हैं और अच्छे मात्रा में लग रही हैं, उसमें महिलाएं भी शामिल हो रही हैं, उनकी भी सहभागिता हो रही है। लगातार बढ़ती शाखाएं, 1975 में संघ की 8500 शाखाएं आयोजित होती थीं, जो 1977 में 11000 हो गईं, 1982 में 20000, 2004 तक 51000 से ज्यादा शाखाएं भारत में चलती थीं, 2014 तक इनकी संख्या बढ़कर 40000 हो गई, अगस्त 2015 तक 51,335 शाखाएं थीं। शाखा में कार्यवाह पद सबसे बड़ा होता है, इसके बाद रोज के हिसाब से चलने के लिए मुख्य शिक्षक होते हैं। 2016 तक दिल्ली में 1,898 शाखाएं लगती थीं, उत्तर प्रदेश में 8,000 से ज्यादा शाखाएं लगती हैं और केरल में 6,845 शाखाएं चलती हैं। शाखाओं में जब कोई खास कार्यक्रम होता है तो स्वयं सेवक अपनी पूरी यूनिफॉर्म यानी जिसे गणवेश कहा जाता है संघ की भाषा में, वो पहनकर आते हैं। अक्टूबर 2016 में RSS ने 91 साल बाद यूनिफॉर्म में बदलाव किया। संघ की हाफ खाकी पैंट को बदलकर फुल कर दिया गया और इसका रंग भूरा हो गया। इसके अलावा बेल्ट भी बदले गए। RSS की ज्यादातर शाखाएं हिंदी प्रदेशों में लगती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ललन टॉप का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। धन्यवाद।